माननीय उपाध्यक्ष जी, देश में वर्तमान समय में आई बाढ़ और जल प्रलय के बारे में गृह में मेरे विचार आपकी अनुमति से रख रहा हूँ। ये जुलाई मास में देश में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आसाम, उत्तराखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्कूलें बंद हो गई हैं, लोगों को अपने घरों में घरे डूब जाने के कारण अन्य स्थलों पर स्थलांतर करना पड़ा है। देश के किसानों ने जो खेतों में धान बोए थे वो भी बर्बाद हो गए हैं। मैं और राजस्थान और गुजरात की बात करूं तो राजस्थान में कई जिलों में तेज बारिश होने से जोधपुर, बाड़मेर, पाली और झारोर जिले में जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है, जानवरों को भी नुकसान हुआ है और अकेले आबू में 800 mm वर्षा होने से जो पूरा पानी मैदानों में आया तो हमारे गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा, पाटण, अरवल्ली, सूरतनगर जिले में सैकड़ों गांव टापू बन गए हैं। हमारे वड़ाप्रधान माननीय नरेंद्र भाई और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हवाई संरक्षण करने के बाद जो वायुसेना, BSF, NDRF और SDRF की टीम मदद में भेजी, हेलीकॉप्टर और मोटरबोट के मदद से 25,000 लोगों को गुजरात में रेस्क्यू ऑपरेशन करके बाहर निकाला, फिर भी 80 लोग मर गए। मेरी माननीय उपाध्यक्ष जी, आपको दो बात के लिए विनती है। ये जो बाढ़ आती है वो क्लाउड ब्लास्ट होने के कारण आती है, बादल फटने के कारण, और इसकी जानकारी कभी भी किसी भी यांत्रिक व्यवस्था से हमको नहीं मिलती है। सरकार को मेरी ये विनती है कि जो क्लाउड ब्लास्ट होते हैं, फिर वो उत्तराखंड में होते हैं, जम्मू कश्मीर में होते हैं, या अभी आबू में हुआ या गुजरात में हुआ, उसके कारण एकाएक 15-20-25 इंच बारिश होने के कारण न रहने वाले अपनी सुरक्षित जगह पे जा पाते हैं, न अपने जानवर को बचा सकते हैं, न अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो जो और देशों में ऐसे क्लाउड ब्लास्टिंग की आगाही करने के कारण आदमी और जानवर तो एटलीस्ट बच सकते हैं, हो सकता है कि हमारी फसल ज़्यादा बारिश के कारण निष्फल हो जाए, लेकिन जो मैनुअल कैजुअलिटीज का नुकसान होता है और कैटल हमारे मर जाते हैं, इसके कारण जो नुकसान आजीविका भी गरीब लोगों का होता है वो बचना चाहिए। इसलिए क्लाउड ब्लास्टिंग के बारे में संशोधन करके कम से कम इसकी आगाही हो 2-3 दिन पहले कि भाई ऐसा भारी बारिश आने वाला है, तो जहाँ भी ये बारिश की संभावना है वहाँ से लोग अपने सुरक्षित स्थल पे शिफ्ट हो सके। और दूसरी बात, ये जो नदी जोड़ने की बात माननीय उपाध्यक्ष जी कर रहे हैं, इसमें एक खतरा ये भी है कि जो बारह मास बहने वाली नदी में से पानी लेके जो सूखी नदी है इसमें जोड़ने की बात है, लेकिन एक साथ अगर सारे भारत में बारिश हुई तो ये नदी का पानी कहाँ जाएगा, वो भी सोच के दोबारा उसमें सोच के बात करना चाहिए। ओके, आभार, थैंक यू वेरी मच श्री।